हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप अभी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हो, किसी ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका ये सेपरेशन वाला सिचुएशन, ये वेटिंग वाला सिचुएशन कब तक ख़त्म हो जाएगा, कब तक उस इंसान के साथ आपका बातचीत स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब बातचीत स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर आप दोनों के बीच में क्या बातें होने वाला है, कैसे वो इंसान आपकी तरफ आएंगे, तो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है एंड अपने पर्सन को मन ही मन थोड़ा सा डीपली याद करना है। आप चाहो तो इस टाइम पर अपने पर्सन का जो नेम है ना, उसको मन में 3 टाइम्स याद कर सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो। फाइन। सो यहाँ पर 2 पायल हैं, इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। अगर आपका नेम का इनिशियल्स इस पायल के अंदर हैं तो आप इस पायल को चूज कर लो। अगर आपका नेम का इनिशियल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं तो आप इसको चूज कर लो। तो मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो अगर आपका नेम का इनिशियल्स, मतलब कि आपका नाम का जो पहला अक्षर है, वो ABCELMRUVWXZ है, मतलब कि इनमें से किसी एक से शुरू होता है आपका नाम, तो आप पाइल 1 को चूज़ करें। एंड अगर आपका नेम का इनिशियल्स, मतलब कि आपका नाम का पहला अक्षर, अगर DFGHJKNOPQSTY से शुरू होता है तो आप पाइल 2 को चूज़ कर लें। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विथ यूनिवर्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर मेरे फर्स्ट चैनल को चेक कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि आपका नेम का जो इनिशियल्स हैं वो ABCELMRUVWXZ से शुरू होता है, आपके लिए है पायल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं कि अभी आप जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, उनका वर्तमान सिचुएशन कैसा है। देन हम देखेंगे कि वो पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे तो वो किस तरीके का बातें करने वाला है, कैसे आपके तरफ आने वाला है, ऐसा कैसा बातचीत आप दोनों के बीच में होने वाला है। उनके तरफ से कुछ सॉन्ग्स भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, मैसेज भी हम पढ़ने वाले हैं। सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। ओके, क्योंकि ये रीडिंग का स्टार्टिंग एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ वांड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स। फाइन। देखो, वर्तमान में मुझे दिख रही हैं आपके जो पर्सन हैं, जिनके साथ आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, वो इंसान थोड़ा सा ना खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने कामों में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने पैर में खड़ा होने की, कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में स्टेबल होने की, मतलब कि मैटरलिस्टिक साइड से ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग बनना चाहते हैं। ओके, इस बारे में ही ये इंसान कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एंड वर्तमान में मुझे दिख रही है, ओवरऑल उस इंसान के लाइफ में बहुत सारा भाग दौड़ मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी है वो इंसान। एंड साथ में मल्टीटास्किंग करते हुए भी दिख रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को इनको हैंडल करना पड़ रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में इस टाइम पर किसी साइड से क्राइसिस चल रहा है, उनके फैमिली के किसी मेंबर का तबीयत भी इस टाइम पर खराब रह सकता है, या फिर उनके काम की जगह से उनको थोड़ा सा लॉस फेस करना इस टाइम पर पड़ सकता है। बट दिख रही है ये इंसान बेहद ज्यादा तरीके से अपने करियर के साइड से बिजी है। तो वर्तमान का तो हालत यहाँ पर यही दिख रही है आपके पर्सन का, मतलब कि जिनके साथ आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। द लवर्स हैं डेफिनेटली, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप इनके सोलमेट हो, ये इंसान ऐसा ही मानते हैं। आपके साथ रहना, आपके पास रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इस इंसान को जब भी टाइम मिलता है, ये इंसान आपके बारे में ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके आंखों में इस टाइम पर आग है।
ये इंसान आपके लिए ही खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको जैसे देखना चाहते हो ये इंसान वैसा बनना चाहते हैं, ताकि आप उनको फिर से रिजेक्ट ना कर पाओ, फिर से आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां क्रिएट ना हो। तो ये इंसान जब पूरी तरीके से स्ट्रांग बन जाएंगे देन जाकर आपके लाइफ में एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा एक थॉट्स इनके अंदर चलती हुई दिख रही है मुझे, मतलब कि ऐसा माइंड सेट लेकर अभी ये इंसान चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है द हार्मिट। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ख्यालात के इंसान हैं। ये इंसान अभी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो भी अंधेरा क्रिएट होकर रखा है, जो भी दूरियाँ हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सब कुछ एक ना एक टाइम पर ख़त्म हो ही जाएगा, एंड वो टाइम बहुत पास है, क्योंकि ये इंसान प्रिपरेशन ले रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। क्योंकि हर्मिट कार्ड जो है वो सोल सर्चिंग की बात करता है, डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, तो ये जो इंसान है वो उसी टाइम के लिए इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अभी इनके लाइफ में जो भी अंधेरा छाया हुआ है, जो भी डार्कनेस है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, इस चीज़ का विश्वास, इस चीज़ का आशा इनके अंदर मुझे दिख रही है। एंड आप दोनों के कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रही हैं ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा। एंड हो सकता है ये इंसान ना स्पिरिचुअल इंसान है, मतलब कि स्पिरिचुअली अवोकन है, इनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये इंसान दिल से काम करते हैं, एंड मुझे दिख रहे हैं आप दोनों ही अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। ओके, आपसे ज़्यादा ये इंसान प्रे कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही है। बॉटम द डेक में है द वर्ल्ड। आप दोनों का फिजिकली मीटिंग बहुत पास दिख रहे हैं, मतलब कि आप दोनों फिजिकली बहुत जल्द मीट करने वाले हों, एंड वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आज से लेकर 21 तारीख के अंदर। एंड और अगर कुछ टाइमिंग मुझे दिखाई देगा तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। तो देन देख लेते हैं कि वो इंसान जब आपके तरफ चले आएंगे, या फिर आपकी तरफ आने से पहले अगर कुछ डिमांड्स रखने वाले हैं, या फिर आकर आपसे क्या बातचीत करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों का जब मीटिंग होगा, या फिर आप दोनों का जब फिर से रीयूनियन होगा, बातचीत स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर आप दोनों के बीच में क्या चलने वाला है। क्वीन ऑफ वांड्स, फाइन। देखो, आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा खुले माइंड के हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले दोबारा नहीं सोचते हैं, मतलब कि दिमाग में आया तो करना है बस। कौन क्या सोचेगा समाज के बारे में, या फिर फैमिली के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो करना है। इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था पहले। तो ये जो चाइल्डिश हरकतें हैं, या फिर केयरलेसनेस हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इमैच्योरिटी है, तो आप दोनों में से जिसका है ये प्रॉब्लम, ये चीज़ आने वाले टाइम में सॉल्व होने वाला है। एक सिंसियर लव आप दोनों के बीच में ही क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पर है ड्रीम कम ट्रू, द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आ चुका है। तो आप दोनों जब मीट करोगे आने वाले टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा लवली वे में मीट करते हुए दिख रहे हो, एंड ये जो इंसान है ये आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान पहले से करके रखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं ये इंसान, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये इंसान ऐसा कर सकते हैं, या फिर ये इंसान आपके लिए ऐसे सोच सकते हैं, इतना ज़्यादा खुद को बदल सकते हैं। तो एक बदला हुआ, एक नया इंसान आपको प्राप्त होने वाला है आने वाले टाइम में। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। एंड आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस होने वाला है। कुछ चीज़ें हो सकता है आप दोनों पहले छुपाते थे एक दूसरे से, कि अगर आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें पूछ लोगे तो वो इंसान शायद ही बुरा मान जाएंगे, या फिर ये चीज़ शायद वो सोचते थे, तो इसी वजह से आप दोनों ना मन खोल कर डाउट्स को क्लियर नहीं करते थे। कुछ छोटे मोटे डाउट्स आप अपने दिल में ही रख देते थे, एंड वो भी वही करते थे, तो आप दोनों के बीच में ये डाउट्स ही कहीं ना कहीं बाद में जाकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता था। तो ये चीज़ भी आने वाले टाइम में आप दोनों ही बहुत क्लियर करने वाले हो, आप दोनों के ही मन के बहुत सारे डाउट्स को आप दोनों क्लियर करने वाले हो। एंड यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का वेटिंग एनर्जी ख़त्म होने वाला है, जिस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां क्रिएट कर लिया था, जिस वजह से आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था,
तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा था, तो वो जो वजह है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो उस टाइम पर किसी वजह से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं वो बात भी डिस्कस होने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लियरली आप दोनों बातचीत करते हुए दिख रहे हो एंड वेटिंग एनर्जी ख़त्म होती हुई दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, वाओ, आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने के बाद अकेला जितना भी टाइम बिताया है वो कैसे बिताया है, किसके साथ बिताया है, या फिर क्या क्या किया उस टाइम पर, तो ये चीज़ भी आप दोनों डिस्कस करने वाले हो। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप जैसा चाहते हो, जैसा लव आप चाहते हो, या फिर जैसा लव वो इंसान आपसे चाहते हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को ना इस टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, खुद खुद के डिजर्व्स को फुलफिल करने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं कि उनके तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो इंसान अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं। ओके, उनके दिल में आपके लिए क्या मैसेजेस चल रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं। ऑलरेडी एक गिर गया है तो मैं एक एक करके देख लेती हूँ। तो पहले यहाँ पर है, प्लीज़ डू नॉट ब्रेक माई हार्ट अगेन। तो ये इंसान आपके तरफ आना तो चाहते हैं बट थोड़ा सा डर रहे हैं, इनके अंदर कन्फ्यूशन है। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि फिर से आप इनको कहीं हर्ट ना कर दो, उनके हार्ट को ब्रेक ना कर दो, ऐसा कोई भी काम आप फिर से ना कर दो जिससे आप दोनों के बीच में फिर से दूरियाँ क्रिएट हो जाएं, क्योंकि ये इंसान टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आई वॉज टोटली ड्रीमिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये इंसान आपके बारे में ना स्वप्न भी देखते हैं, मतलब कि ड्रीम देखते हैं आपको लेकर। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं ये इंसान। आई हैव लॉस्ट माई कनेक्शन विथ यू बट स्टिल आई लव यू। फाइन, ये इंसान आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर आपके साथ अभी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में है, बट वो इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं दिल से, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर दिख रही है, मुझे लवर्स कार्ड दिखने के बाद ही मुझे लगा था कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं। यहाँ पर दो मैसेज हैं, आई थिंक आई शुड टेक अ रिस्क फॉर यू, ओनली फॉर यू। उनको ऐसा लगता है कोई एक रिस्क आपके लिए उठाना चाहिए। हो सकता है आपका कुछ डिमांड्स था, आपका कुछ ज़रूरतें था जो वो इंसान पूरा नहीं कर पा रहे थे एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ क्रिएट हो गया था। तो इस टाइम पर हो सकता है ये इंसान साहस करके आपके लिए कुछ एक्शन ले ले। आई एम सो सॉरी फॉर वॉट आई सेड टू यू। इन्होंने जो भी आपको कहा है इसके लिए ये इंसान शर्मिंदा है। ओके, सो देख लेते हैं उनकी तरफ से एक सॉन्ग। फाइन, सो यहाँ पर है उसका बना, मतलब कि उसका ही बना, अरिजीत सिंह का जो सॉन्ग है ना उसका ही बना। तो ये जो सॉन्ग है ये उनके तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड हुआ है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है कैसे हुआ। ओके, सो ये भी बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। तो यही दो सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है उनके तरफ से, मतलब कि डेडिकेटेड हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन दिख रही है आप दोनों का, एंड आप दोनों का जो रीयूनियन है वो मुझे दिख रही है कि आज से लेकर 21 दिन के अंदर होने वाला है, या फिर बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आज से लेकर 5 दिन के अंदर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, या फिर वो इंसान आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस कर सकते हैं, आपके साथ बात करने की कोशिश कर सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू पायल नंबर वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो बाय। हेलो पायल नंबर टू, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, यानी आपका जो नेम का इनिशियल्स है, आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो DFGHJKNOPQSTY से शुरू होता है, मतलब कि इनमें से किसी लेटर से शुरू होता है आपका नाम, तो आपके लिए है पायल नंबर टू। तो इसे हम साइड कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट कि अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान अभी आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ ब्लॉकेटिंग सिचुएशन में है, सो उनका अभी क्या हालत है, उनका अभी फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं आपके बारे में, उनका वर्तमान सिचुएशंस को चेक कर लेते हैं। चलिए देन हम देखेंगे बाकी चीज़ें। यहाँ पर हैं थ्री ऑफ वांड्स। फाइन,
नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स। ओके द वर्ल्ड, फाइन। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप जिनके साथ अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, वो इंसान आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान एक एंडलेस साइकिल में फंस गए हैं, जिस साइकिल से ये इंसान चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें हैं जिसका आंसर इनके पास नहीं है, ये इंसान ढूंढ रहे हैं बट इनको मिल नहीं रहा है। इसके साथ ही दिख रही हैं इनके सराउंडिंग्स में कुछ पीपल्स हैं, कुछ लोग हैं जो इनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो इनको समझा रहे हैं कि अभी आपके तरफ आने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप शायद मूव ऑन कर चुके होंगे या फिर आप शायद उनके लायक नहीं हो। तो ऐसे टाइप्स की कुछ बातें भी इनके दिमाग में घुसाया जा रहा है। ओके सो ये इंसान कोई भी हो सकता है, मतलब कि ये जो थर्ड पार्टी दिख रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये कोई भी हो सकता है। इनका खुद का दिमाग भी हो सकता है, इनके फैमिली के कोई मेंबर भी हो सकता है, बहुत करीबी नियरेस्ट कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो मुझे दिख रही हैं जितना भी ये इंसान कन्फ्यूज्ड क्यों ना हो आपको लेकर, आपको लेकर कॉन्फिडेंट भी है, जो कि ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से ना फील कर पाते हैं, मतलब कि इनके दिमाग और इनके दिल के बीच में ये इंसान एंडलेस तरीके से फंसे हुए दिख रहे हैं वर्तमान में। एक बार इनको ऐसा लगता है कि नहीं आपके साथ फिर से एक नया शुरुआत करना चाहिए, आपके तरफ जाना चाहिए, बट दूसरी ही तरफ ये इंसान एक खिंचाव सा महसूस करते हैं पीछे की तरफ कि नहीं जाना चाहिए, शायद जाना सही नहीं होगा इनके लिए। एंड यहाँ पर ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट की बात करता है। इनके घर वाले हो सकता है इस टाइम पर इनके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, या फिर इनके साथ किसी और इंसान को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लाइफ में किसी और इंसान को लाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, सो ऐसा एक एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है मुझे, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ यही दिख रही है कि ये इंसान आपको दिल से पसंद करते हैं अभी भी। ओके टू ऑफ वांड्स, डेफिनेटली मैंने आपको अभी बताया ना कि इनका जो दिमाग है एंड दिल है उसके बीच में ये इंसान फंस गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूज्ड होकर रह गए हैं। यहाँ पर ये जो दो साइड में आपको दिमाग दिख रहे हैं ये इसी चीज़ को दर्शा रही है। एंड मुझे दिख रही हैं आने वाले टाइम में ये इंसान ना कहीं पर जा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोच रहे हैं घर से दूर कहीं पर बिजनेस के लिए या फिर स्टडी के लिए या फिर नौकरी के लिए बाहर चले जाए, या फिर तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं, या फिर घूमने भी जा सकते हैं, या फिर इनके फैमिली इनको फोर्सफुली कहीं पर भेज भी सकते हैं ताकि ये इंसान मेंटली थोड़ा सा क्लियर रहे, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके बारे में सोचते ही सोचते, एंड इस चीज़ को इनके फैमिली नोटिस भी कर रहे हैं। तो इनके जो फैमिली हैं, इनके जो चहेते इंसान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे रहें कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, बट एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि ये इंसान आपके बिना कहीं पर भी चले जाए, ये इंसान खुश नहीं रह पाएंगे, ये इंसान अच्छे नहीं रह पाएंगे। आप इनके सोलमेट हो, आपका एंड उनका ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रही है। द हैंग्ड मैन का कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, डिवाइन कनेक्शन की बात करता है। तो आप दोनों कितना भी फिजिकली दूर क्यों ना चले जाओ, कितना भी आप दोनों के बीच में कोई दरारें क्रिएट क्यों ना कर लें, आप दोनों एक दूसरे से सोल के थ्रू कभी अलग नहीं हो पाओगे। आप दोनों का सोल हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, आप उनको फील कर पाओगे, वो इंसान आपको फील कर पाएंगे, जितना भी आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों ना क्रिएट हो। आपने देखा होगा या फिर नोटिस किया होगा कि कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें ना अचानक अचानक से याद आ जाते हैं, या फिर आपने अगर उनको भूलने की कोशिश किया है तो वो कोशिश एकदम से मिट्टी में गया है, मतलब कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हो एंड वो इंसान भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इसका मेन वजह कहीं ना कहीं ये दिख रहे हैं, ये इंसान आपको दुआओं में बहुत मांग रहे हैं, या फिर आप मांग रहे हो। आप दोनों का मैनिफेस्टेशन आने वाले टाइम में वर्क करने वाला है। यहाँ पर हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान किसी एक साइड में जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, मतलब कि ये जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है इसको ये इंसान खुद ख़त्म करने वाले हैं। इनको जो अच्छा लगेगा, जो सही लगेगा, इनका दिल जो चाहेगा, ये इंसान आने वाले टाइम में वही करने वाले हैं। फाइन, द
तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हो टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों का रिलेशन ना अनब्रेकेबल दिख रहे हैं। ओके, सो अभी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, बट बहुत जल्द पास होने वाले हो फिजिकली। आप दोनों का जो सोल है ना, वो तो एक दूसरे से दूर गया ही नहीं है। एंड बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, तभी से लेकर 2 दिन के अंदर आपके पास आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आएगा, या फिर हो सकता है ये इंसान खुद ही आपके साथ मुलाकात करने के लिए चले आए, या फिर उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल जाए, या फिर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि 2 महीने के अंदर आप दोनों का एक रीयूनियन क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि चांस बहुत ज़्यादा दिख रही है कि 2 महीने के अंदर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आप दोनों का रिलेशन, आप दोनों का लव एक टक्कर का है, डिवाइन कनेक्शन है। देख लेते हैं कि आप दोनों का जब मीटिंग होगा, आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे, उस टाइम पर आप दोनों के बीच में क्या बातचीत होने वाला है, या फिर क्या कुछ होने वाला है। ओके, फर्स्ट मीटिंग रीयूनियन के टाइम पर कैसा होने वाला है देख लेते हैं, कैसा इम्प्रेशन पड़ने वाला है आपके ऊपर एंड उनके ऊपर भी। यहाँ पर है द स्ट्रेंथ। फाइन, मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कोशिश करते हैं हर एक सिचुएशंस को खुद के कंट्रोल में रखने का, या फिर कोशिश करते हैं कि आप हमेशा उनके बात मानकर चलो, कोशिश करते हैं हमेशा उनके ही डिसीशंस को फॉलो किया जाए। तो मुझे दिख रही है आप दोनों में से किसी एक इंसान का एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, एंड जिसकी ही वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हुआ है। ओके, मतलब कि अभी आपका जो सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट, उसका एक वजह ये भी है दिख रही है। ओके, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों मीट करने के बाद डिस्कस करने वाले हो कि ये जो हरकतें हैं, ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी हैं, इससे मुक्त होना पड़ेगा। मतलब कि आप दोनों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा एक दूसरे को। नेक्स्ट यहाँ पर है द चैरियट। देखो दिख रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है कमिटमेंट मांग रहे थे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मांग रहे थे, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते थे, एंड जिसकी ही वजह से हो सकता है शादी को लेकर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुआ था। मतलब कि शादी को लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गया था, या फिर कोई झगड़ा हो गया था, छोटा मोटा एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। तो इस टाइम पर बात होते ही आप दोनों ही इस बात को भी छेड़ने वाले हो, एंड शादी से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है, या फिर उनको आप देने वाले हो। ओके, सो आप दोनों का शादी का डेट भी फिक्स्ड हो सकता है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। 8 of Cups। ओके, मुझे और एक चीज़ भी दिख रही है, आप दोनों अपने खुद के करियर को लेकर, खुद के निजी लाइफ को लेकर भी डिस्कस करने वाले हो। हो सकता है आप दोनों में से कोई इंसान, या फिर आप दोनों ही अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अपने लव लाइफ में कम टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से दूरियां और ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। ओके, आप दोनों ही हो सकता है इंडिपेंडेंट पर्सन हो, खुद का बिजनेस है, या फिर काम करते हो कहीं पर, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिलता था लव लाइफ के साइड से एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। तो ये सिचुएशन भी आप आने वाले टाइम में डिस्कस करके सही करते हुए दिख रहे हो। मतलब कि लव लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैटर करता है, ये चीज़ भी शायद आप रियलाइज़ कर चुके हो, एंड वो इंसान भी शायद इस टाइम के अंदर, मतलब कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी आप दोनों का चल रहा है, इस टाइम पर ये इंसान भी रियलाइज़ ऑलरेडी कर चुके होंगे। ओके, एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, यहाँ पर शादी से रिलेटेड ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं, तो मुझे दिख रहे हैं आप दोनों का मीटिंग होते ही, हो सकता है 1 साल के अंदर आप दोनों का शादी फिक्स्ड हो जाए, आप दोनों का रीयूनियन होते ही आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड कनेक्शन क्रिएट होने वाला है, जो मैक्सिमम ही दिख रही है अनब्रेकेबल है। फिर से आप दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा। सो लव लाइफ के साइड से आप अभी जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि अगर आप सिंगल हो, आपके क्रश के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फिर आप किसी इंसान को प्यार करते थे, उनके साथ ब्रेकअप
हाँ हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप शादीशुदा हो, सेपरेशन चल रहा है, तो सभी सिचुएशंस के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लाइफ में हार्मनी क्रिएट होने वाला है। फाइन, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहे हैं कि 5 महीनों के अंदर आप दोनों का शादी तय हो सकता है, इंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकता है, या फिर कोर्ट मैरिज हो सकता है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक एनर्जी दिख रही है। देख लेते हैं उनके तरफ से कुछ मैसेजेस, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आ चुका है, आई एम सो सॉरी फॉर वॉट आई से टू यू। इन्होंने पहले जो भी कहा है उसके लिए ये इंसान शर्मिंदा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई वॉज टोटली ड्रीमिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये इंसान आपको सपने में भी देख रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, आई कान टेल यू कम्प्लीटली अबाउट माई सिचुएशन, एक्सक्यूज मी। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपके साथ हो सकता है उस टाइम पर डिस्कस नहीं किया जा सकता था। ओके, तो इसकी वजह से इन्होंने आपसे छुपाया है, एंड वो चीज़ शायद आपको गलत लगा है। ओके, एंड उस टाइम पर आपने उनको गलत समझ लिया था, तो ये इंसान उस बात के लिए भी शर्मिंदा है। ओके, फाइन, तो उनको ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन था आपसे डिस्कस करना चाहिए था, आपको खुलकर बताना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पर है, आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ यू। ये इंसान आपको लेकर बेहद ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपके बारे में ही रात दिन सोचते रहते हैं, हमेशा आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ही सोचते हैं। एंड यहाँ पर है, इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग प्लीज से। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हो, आपने भी कुछ चीज़ें ऐसा है जो छुपाया है, या फिर कहते कहते नहीं कह पाए थे उस टाइम पर। तो जिस दिन हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, या फिर जिस दिन हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उस दिन हो सकता है कि आप दोनों का ही बहुत कुछ कहना था एक दूसरे से। तो यस, ये इंसान भी सुनना चाहते हैं आपसे कुछ चीज़ें, उसके लिए वेट कर रहे हैं। आई विल गिव यू अ मैरिज प्रपोजल फर्स्ट। क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बताऊँ, अब बताओ। यहाँ पर एक से ज़्यादा मैरिज का कार्ड एंड इसके साथ मैसेज भी आ चुका है। ये इंसान आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, एंड बहुत जल्द देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में परमानेंटली एग्जिस्ट कर जाओ, आप कभी भी इनसे और दूर ना जाओ। ओके, ये इंसान आपके बिना नहीं जी सकते हैं, मुझे दिख रही है। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग है, दिख रही है मुझे। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। देख लेते हैं उनके तरफ से एक मैसेज, मतलब कि सॉन्ग। ओके, सो यहाँ पर है, चले आना। ओके, तो ये आपकी पर्सन की तरफ से, मतलब कि जिनके साथ अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उनकी तरफ से ये सॉन्ग डेडिकेटेड हुआ है आपके लिए, चैनल हुआ है। कैसे हुआ? ओके, एंड यहाँ पर है दुनिया। वाओ, तो ये जो 3 सॉन्ग है उनके तरफ से डेडिकेटेड हो रहा है आपके लिए, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा सुन लेना, एंड सुनते वक्त अपने पर्सन को ज़रूर याद करके सुनना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फीलिंग्स के साथ पता लग जाएगा कि ये इंसान आपके बारे में आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। सो यस, यही आपका रीडिंग है, पायल नंबर 2। एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक